मुनिवर। आयुष्मान वत्स, क्या आपने भगवान से भेंट की? वे क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, भेंट की। वह तो सुई की छेद में से हाथी भी रो रहे थे। अरे मुनिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसी बेकार की बातों पे यकीन नहीं करता। आप झूठ बोल रहे हैं। वास्तव में तो आप भगवान से मिले ही नहीं। अरे ये क्या, इस ब्राह्मण को तो भगवान पे तनिक भी श्रद्धा नहीं। नारायण 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 नारायण। अरे मुनिवर प्रणाम, क्या आपने भगवान से भेंट की? कृपया बताइए वे क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, वह तो सुई की छेद में से हाथी भी रो रहे थे। मेरे भगवान भी कितने अद्भुत हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि वह सुई की छेद में से हाथी निकाल सकते हैं? क्यों नहीं मुनिवर, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह? आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और इसमें से हर रोज अनेक फल नीचे गिरते हैं और इन फलों के प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है तो फिर इस बात को स्वीकार करना कि भगवान द्वारा एक सुई के छेद में से हाथी निकाला जा रहा है कोई कठिन काम कैसे हो सकता है? धन्य हो मोची, तुम धन्य हो। हे भगवान, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। नारायण।